अभी हम राबिक के सफर में है। आज आप लोगों को एक चित्र से 2-2.5 घंटे के टूर पे शहर है अल राबिक। आज के आप जा रहे हैं, स्टोर विजिट भी है और आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ एक नया ब्लॉग भी बना देंगे, राबिक का ब्लॉग, राबिक ब्लॉग। बने रहिए मेरे साथ में और आप लोगों को दिखाएंगे कि राबिक शहर है कैसा। जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट राबिक शहर कैसा है और उसके बारे में और थोड़ी जानकारी, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, तो आगे आप लोग को राबिक शहर दिखाते हैं। बेसिकली ये राबिक शहर जो है ये समुंदर के किनारे सी के बगल में है, जो ये अरब सागर है ना, अरबियन सी के ठीक साथ में लगा हुआ ये शहर। तो यहाँ से तक बीच या फिर आप समुंदर कहेंगे वो ज़्यादा दूर में नहीं है, ये करीब में है। और यहाँ अभी पब्लिकली उतना ये फेमस नहीं है जगह। यहाँ आपको देखिए पूरा ये डेजर्ट ही दिखाई देगा और यहाँ लोग बहुत कम दिखाई देंगे, देयर इज नो पीपल। तो आस्ते आस्ते ये शहर अभी बस रहा है, जैसे जैसे जिद्दा में पब्लिक बढ़ रही है, आबादी बढ़ते जा रही है, तो वहाँ से पब्लिक सब इस तरफ आ रहे हैं। दे आर ऑलरेडी मूविंग हियर द पब्लिक फ्रॉम द जिद्दा, दे आर मूविंग हियर, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो पीछे जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारा देर आर मैक्सिमम बहुत सारा बन चुका है घर वगैरह, अभी यहाँ बनना बाकी है ये पूरा डिजर्ट। और अगर ये सीधे यहाँ से सीधे आगे सीधे ये आपको समुंदर मिल जाएगा, समुंदर मिल जाएगी। अभी यहाँ से आगे चल के एक सिग्नल आएगा, सिग्नल से दाहिनी तरफ जाएंगे, वहाँ पेट्रोमिन ट्रैफिक है शायद, मेरे ख्याल से पेट्रोल का रिफॉर्म सेंटर है, पेट्रोल के लिए कुछ है वो, उसी के अंदर अपना एक सबका आउटलेट है, उसमें चलेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले सिक्योरिटी चेक पोस्ट है जिसमें अपना आईडी कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देना पड़ता है। तो वहाँ से एक गेट पास बना के देते हैं, जिस गेट पास को आप पेट्रोल में ड्राइविंग में दिखाने के बाद वो लोग आपको अंदर इंटर कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। तो वो गेट पास पहले बनाएंगे, वहाँ पर कैमरा फिर ऑफ करना पड़ेगा, वहाँ सिक्योरिटी इलाका है वहाँ कैमरा नहीं चलता। फिर वो जो सिक्योरिटी गेट है वहाँ से भी पास कर जाएंगे, तो उसके बाद फिर कैमरा ऑन करेंगे। तो अभी अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं ये अभी से देखिए मैंने ये गूगल मैप लगा के रखा है। गूगल मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पे समुंदर का किनारा है, ये देखिए, जैसे जैसे गूगल मैप आगे बढ़ेगा तो ऊपर देखिए, गूगल मैप के ऊपर देखिए जहाँ वो हेडिंग दिखा रहा है ट्रक राइट, पूरा ब्लू है वो सेक्शन, सब वहाँ आगे समुंदर है। हम तो यहाँ से हम लोगों को सीधे जाना है जहाँ पर सबवे आउटलेट है, सबवे आउटलेट के अंदर जाना है, रेस्टोरेंट है, सबवे रेस्टोरेंट है, सबवे रेस्टोरेंट के अंदर जाना है और वहाँ सबवे सैंडविच को देखना है, रिव्यू करना है। वो बने रहिए मेरे साथ, आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को आगे की वीडियो में मिलेगी। तो ये रहा राबिक शहर, देखिए ये पूरा ये इलाका जो है ये पूरा समुंदर है, ये देखिए बीच आगे दिखाई भी देता है, ये पूरा समुंदर है। ये देखिए समुंदर,
तो ये है वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट जहाँ से मुझे गेट पास बनवाना है। यहाँ आने के लिए पहले परमिट लेना पड़ता है इसके अंदर जाने के लिए। उसके लिए वैलिड आप पैकामा चाहिए, सारा कुछ, एक लाइसेंस चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसके इसके बाद ही आपको ये परमिट मिलता है। परमिट मिलने के बाद यहाँ से आपको गेट पास इशू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ये सिक्योरिटी चेक करने के बाद में पेट्रो राबिक के अंदर है। एक छोटा सा शहर डेवलप हो रहा है ये, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत शहर है पेट्रो राबिक की। देखिए तो ये जो राबिक कम्युनिटी, पेट्रो राबिक कम्युनिटी है, इसके अंदर में सारा कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। ये छोटा सा शहर की तरह है ये, यहाँ पर आपको सभी सुविधा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। स्कूल है, जिम है, मार्केट है, सुपरमार्केट है, आई गेस सिनेमा है, सी बीच तो है ही है सामने। तो कम्युनिटी सेंटर है, सभी कुछ है ऑलमोस्ट। ये है शहर, देखिए पेट्रो। तो ये हम लोगों को इसके अंदर जाना है। ये तमीमी एक्सप्रेस बोल के ये जगह है, इसका नाम है। इसके अंदर में आपको सुपरमार्केट, तमीमी मार्केट, सबवे, सलून, ये सारा कुछ इसके अंदर। तो हम लोगों को इसी के अंदर जाना है, बाद में दिखाते हैं आपको सामने से। तो ये तो हम लोग आ गए सबवे में, आगे देखते हैं सबवे का सैंडविच ऑर्डर करते हैं, साथ में क्रिस्पर ऑर्डर करते हैं, और फिर देखते हैं कि सैंडविच और क्रिस्पर कैसे बनता है, और उसका पूरा रिव्यू आप लोगों को देंगे। बने रहिए मेरे साथ में, उसके बाद भी आगे और दिखाएंगे कि यहाँ से जिद्दा तक का सफ़र, यहाँ से आगे जिद्दा तक का सफ़र कैसा होता है, रास्ता कैसे है, शहर कैसा है, ये राबिक, ये सारा कुछ आप लोगों को आगे बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, और मेरे चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे मिलते हैं। स्टिक, हाँ, प्रेस द बटन स्टिक, नॉट नाउ, लेटर ऑन।
अभी ये मेरा सबवे मेल्ट्स बन के रेडी है, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो बाकी के आप लोग देख सकते हैं ये सबवे में और रेस्टोरेंट में है। यस, वेयर इज माय ऑर्डर? हियर इज द स्टेक एंड मशरूम। स्टेक एंड मशरूम और ओनली स्टेक्स, सॉरी, स्टेक मशरूम, राइट? सो नाउ आई हैव माय ऑर्डर स्टेक मशरूम, लेट्स ट्राई। एंड वहां भी एक वीडियो, देयर इज आल्सो फोटो शूट। This is very good sandwich. There is lot of cheese. So, वैसे normal लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा tasty है. It's very nice. So I ordered one steak and mushroom, sub melt sandwich and one crisper. Here is the crisper. This is the crisper. Southwest or ranch. Sandwich is very delicious, very very delicious. It's very beautiful. चीज ऐसे जब जबान में लग रहा है ऐसे घुल जा रहा है, पिघल जा रहा है चीज, amazing. तो अब क्रिस्पर की पारी है, क्रिस्पर खाते हैं और बताते हैं क्रिस्पर का टेस्ट कैसा है। तो ये रहा क्रिस्पर का एक पीस, मैंने इसे रैंच सॉस में डिप किया और ये दूसरा क्रिस्पर का पीस जो कि साउथवेस्ट सॉस में डिप करके है। साउथवेस्ट सॉस के साथ में ज्यादा अच्छा लग रहा है क्रिस्पर। तो बेसिकली देखा जाए अगर रेटिंग देना है तो ये दोनों मिला के 10 में से 9 बनता है। स्टेक सैंडविच मेल्ट्स एंड क्रिस्पर, तो बेसिकली देखा जाए तो अगर रेटिंग दिया जाए, if suppose if I want to give the rating, so both of these steak sandwich and crisper. तो अभी हम लोग सबवे के बैक रूम में है, इसे बैक रूम कहा जाता है। ये देखिए पूरा बैक रूम है जिसमें थ्री सिंक्स है, थ्री सिंक्स जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं, यूटेंसिल्स ड्राई होता है, ये चिलर फ्रीजर है, ये स्लैब टेबल है, ये बैक रूम पूरा इलाका है। देखिए कितना साफ सुथरा, कितना अच्छा है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है सबवे में, सफाई का पूरा ख्याल रखता है। ये चिलर है, चिलर के अंदर में वेजिटेबल्स वगैरह मीट वगैरह थॉक किया जाता है। ये फ्रीज़र है, इसमें फ्रोजन आइटम सारा रखा जाता है, तो जैसे मीट वगैरह। और ये है थ्री सिंक, थ्री सिंक मतलब जहां आप अगर जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में, उन लोगों को मालूम होगा थ्री सिंक क्या है। इसमें यूटेंसिल्स धोया जाता है, बर्तन वगैरह जो भी अपने पास में, कैमरा पैन, वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज, जैसे इन लोगों ने करके रखा है। और ये है ग्रीस ट्रैप, ग्रीस ट्रैप मतलब अगर आप ये थ्री सिंक में कुछ धो रहे हैं, अगर उसमें कुछ ग्रीसी आइटम है या कोई धूला कचड़ा गंदा मैला जो भी है, ये ग्रीस ट्रैप में वो एक नेट होता है, नेट में वो रह जाता है, बाकी नीचे ड्रेनेज सिस्टम में सिर्फ वाटर जाता है, जो कि एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए बेहतरीन आइडिया है ये। तो ये है वो ग्रीस ट्रैप।
और बाकी आप देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई रखते हैं लोग। ये है आइस मशीन, जिससे आइस प्रोड्यूस होता है। सामने कस्टमर को अगर आइस चाहिए हो तो वो आइस यहीं से हम लोग लेके, मतलब सब्वे वाले लोग लेके उसमें सामने ड्रिंक्स में देते हैं। बाकी ये पीछे बैक एरिया है, इसे कहते हैं। तो हम लोग ये अभी सबवे से निकल चुके हैं, अब हम लोग जिद्दा की तरफ वापस जा रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं जिद्दा का सफ़र। यहाँ से तकरीबन 2.5-3 घंटे लगेंगे जिद्दा पहुँचने में। तो चलिए 2.5-3 घंटे अभी रहते हैं साथ में और देखते हैं क्या होता है जिद्दा के सफ़र में। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग जिद्दा का सफ़र शुरू करेंगे, मतलब राबी कब ख़त्म होने को है। देखिए यहाँ लिखा है ना जिद्दा, तो यहाँ से हम लोग अब जिद्दा का सफ़र शुरू करेंगे। ये तकरीबन 2.5 घंटे पकड़ के चलिए, 2.5 घंटे यहाँ से जिद्दा जाने में लगेंगे। तो अभी 6:30, 4:30, 5 बजे तक हम लोग जिद्दा में पहुँच जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। दिस इज़ माई अप्रॉक्सीमेट टाइम, हो सकता है उससे पहले भी पहुँच जाए, ठीक है ना। तो बाकी देख सकते हैं आप पूरा डेजर्ट। स्पीड में चलती हुई गाड़ियाँ और चौड़े चौड़े रास्ते और डेजर्ट बस। रेगिस्तान जिसे कहते हैं रेगिस्तान। तो ये पूरा सफर ऐसा ही है। तो अभी हम बीच में कैमरा बंद कर देंगे और फिर कहीं कुछ आएगा अगर पेट्रोल पंप या कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिखाना पड़ेगा तो हम वो दिखाएंगे, वरना जब हम लोग जिद्दा में इंटर होने वाले रहेंगे तब, मैंने जिद्दा चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद के बाद कैमरा ऑन करेंगे। अभी फिलहाल तो एक चीज ये दिखाई दे रही है मुझे, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखिए। ये है वो बिल्डिंग, देखिए नंबर वन स्टाइल में ये बिल्डिंग बना है, बनाया गया है नंबर वन स्टाइल में। देखिए कंसीडर्ड, आप लोग देख सकते हैं इसे। अभी हम लोग जब करीब जाएंगे तो आप लोगों को ये अच्छा से दिखाई देगा। नंबर वन, एक नंबर लिखा है बिल्डिंग, एक नंबर। इजाज़ खान साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए है ये बिल्डिंग, मतलब आप भी अपने बिल्डिंग को ऐसे ही बनवाइए, एक नंबर। अभी दिखाते हैं, ये देखिए स्पीड लिमिट है, ये रोड का स्पीड लिमिट है 140, मतलब 140 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से आप गाड़ी चला सकते हैं इस रोड पे। ये देखिए मेरा कार जो है अभी 120 क्रॉस कर रहा है, तो ये सिग्नल देता है, मैंने 120 आपका गाड़ी जब स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो ये गाड़ी, कोई सा भी गाड़ी हो सऊदी अरब में, वो एक सिग्नल देने लगता है कि आपका जो स्पीड लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है 120। खैर अपने पास तो 140 का लिमिट है तो 120 से कोई मतलब नहीं। खैर अपने पास तो 140 का लिमिट है तो 120 से कोई मतलब नहीं, 140 क्रॉस नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ जो कैमरा है रास्ते पे स्पीड कैमरा जिसे वो देखिए छोटा कैमरा लगा रखा है, इसे स्पीड कैमरा कहते हैं। और अगर आप 140 से लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो ये कैमरा आपको फाइन भेजता है। ये देखिए नंबर वन बिल्डिंग, नंबर वन, एक नंबर। एक नंबर इजाज़ भाई,
एजाज भाई एक नंबर। तो ये एक यूनिक बिल्डिंग था, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, मैंने दिखा दिया। अब ये मैं कैमरा बंद कर दूंगा क्योंकि हाईवे का सफर है, और जब हम लोग जिद्दा इंटर कर जाएंगे उसके बाद मैं ये कैमरा ऑन करूंगा। चलिए मिलते हैं जिद्दा में इंटर होने के बाद।